हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर क्या बात करेंगे। एनिमल डाइवर्सिटी, ओके, इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं जर्म लेयर की। डन। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या जर्म लेयर, ओके। ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो एम्ब्रायनल स्टेज में जितना भी लेयर फॉर्म होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, जर्म लेयर। डन। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं, फर्स्ट जो आपका है जर्म लेयर, किसके अंदर, पोरीफेरा। कौन सा फाइलम, पोरीफेरा, ओके। तो ये पोरीफेरा जो है इसके अंदर कैसा जर्म लेयर पाया जाएगा, पोरीफेरा जो आपका है। डन। सेकेंड वन सिलेंट्राटा। डन। कौन सा, सिलेंट्राटा फाइलम। डन। इसके अंदर और टीनोफोरा, थर्ड जो है आपका टीनोफोरा, ओके। टीनोफोरा। डन। ये आपका थर्ड आपका हो गया एग्जांपल। डन। ये तीनों के अंदर आपको कैसा जर्म लेयर देखने को मिलेगा, ये तीनों जो है इसके अंदर आपको इस तरीके का जर्म लेयर देखने को मिलेगा। ये आपका हो गया डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। कैसा जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक। डन। डिप्लोब्लास्टिक यानी कि इसमें क्या कैसा जर्म लेयर होगा, टू लेयर फॉर्म्ड होगा इसके अंदर। डन। दो लेयर कौन कौन सा होगा, टू लेयर। डिप्लोब्लास्टिक में कितना लेयर होगा, टू लेयर। डन। अभी अपन देखेंगे नीचे में डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक के बारे में, ओके। और यहाँ पे एक और होगा, ये जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा के अंदर एक अलग जर्म लेयर होगा, उसको क्या बोलेंगे, मीजेनकाइम। क्या होगा, मीजेनकाइम। डन। ये जर्म लेयर पोरीफेरा के अंदर आएगा, और ये जो कोलेंट्राटा, सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा है इसके अंदर आपको कैसा जर्म लेयर एक और देखने को मिलेगा, जर्म लेयर दोनों के बीच में, इक्टो एंड इंडोडर्म के बीच में, मीजोग्लिया, ओके। ये अनडिफ्रेंशिएटेड मार्फ होगा, ठीक है, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, मीजोग्लिया हो गया। ये है तो डिप्लोब्लास्टिक ही, लेकिन इसके बीच में ये रहेगा मीजेनकाइम एंड मीजोग्लिया जो है वो इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। डन। ये कैसा बॉडी होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड, ओके। कैसा बॉडी रहेगा, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, डिवीजन नहीं होगा। डन। यानी इसमें डिवीजन नहीं होगा, मीजेनकाइम में जो आपको देखने को मिलेगा ये डिवीजन नहीं मिलेगा। और कहां पे मिलेगा, ये इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, यानी ये दो लेयर हो गया आपका डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, टू लेयर। और मीजोग्लिया के अंदर भी क्या होगा, आपको देखने को क्या मिलेगा, मीजोग्लिया जो है इसके अंदर भी आपको कहां पे मिलेगा, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। डन। इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। तो ये कंप्लीट हो गया आपका पोरीफेरा, सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा के अंदर आपको इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक और अनडिफ्रेंशिएटेड मास होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया। और पोरीफेरा के अंदर मीजेनकाइम उसको बोला जाएगा। डन। तो ये आपका डिप्लोब्लास्टिक लेयर हो गया।
नेक्स्ट इसके बाद जितना भी लेयर आएगा डन, ये जितना भी फाइलम आएगा ओके, इसके बाद जैसे कि आपका यहाँ के बाद टीनोफोरा के बाद लैटी हेलमिंथिस ओके, कौन सा लैटी हेलमिंथिस डन, और लैटी हेलमिंथिस सेकेंड एसके हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस डन, एनेलिडा ओके, नेक्स्ट आर्थोपोडा डन, कौन सा आर्थोपोडा, नेक्स्ट आर्थोपोडा के बाद कौन सा आएगा फाइलम मोलस्का ओके, नेक्स्ट इकाइनोडर्माटा एंड फाइनली हेमिकोडाटा। ओके तो ये क्या हो गया लैटी हेलमिंथिस एसके हेलमिंथिस एनिलीडा आर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकोडाटा, ये जितने भी ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर जो आपको क्या देखने को मिलेगा तीन लेयर, तीन जर्म लेयर देखने को मिलेगा ओके। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये कैसा होगा इसका जर्म लेयर ट्रिप्लो प्लास्टिक ओके, यानी कि यहाँ पे क्या फाउंड होगा थ्री लेयर डन। इसके अंदर थ्री लेयर के अंदर कौन कौन सा होगा अभी अपन देखेंगे नीचे के नीचे में ओके। पहले एक बार यहाँ पे रिवीजन, एक बार क्विक रिवीजन, ये पोरीफेरा सिलेंट्राटा टीनोफोरा इसके अंदर आपको कितने लेयर मिलेगा दो डिप्लोब्लास्टिक लेयर यानी टू लेयर डन, और ये आपका जैसे कि सिलेंट्राटा एंड टीनोफोरा के अंदर मेसोग्लिया जो है अनडिफ्रेंशिएटेड होगा या डिवीजन नहीं होगा वैसा बॉडी एक प्रेजेंट होगा डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, और पोरीफेरा के अंदर आपको मेसेनकाइम मिलेगा डन अनडिफ्रेंशिएटेड। नेक्स्ट लैटी हेलमिंथिस एसके हेलमिंथिस एनेलिडा आर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्माटा एंड हेमिकोडाटा, ये सारे के अंदर आपको तीन जर्म लेयर देखने को मिलेगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होता कैसा है डन। ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर ओके लेयर डन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ओके, ये आपका दो लेयर हो गया डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे ओके। तो ये जो सबसे पहले ये आपका डिप्लोब्लास्टिक लेयर हो गया इस तरीके से ओके। अब यहाँ पे ये इस तरीके का सेल यहाँ पे फॉर्म होगा, ये हो गया आपका जो बाहर का रिंग बन रहा है इसको क्या बोलेंगे इक्टोडर्म ओके। ये जो लेयर फॉर्म हुआ ये क्या हो गया इक्टोडर्म डन, ये आपका हो गया फर्स्ट लेयर जो बना इक्टोडर्म का ओके। ये क्या फॉर्म हुआ इक्टोडर्म, कौन सा लेयर हो गया ये इक्टोडर्म डन। ये लेयर इसके अंदर भी आएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर भी इसी तरीके का फॉर्मेशन होगा लेयर का ओके सेम होगा डन। ये एम्ब्रायनल स्टेज में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके इम्ब्रो जब उसका फोटस फॉर्म होगा ओके उस स्टेज का ये डेवलपमेंट है जर्म लेयर। ये क्या है आपका इक्टोडर्म, अगेन क्या है ये इक्टोडर्म ओके इक्टोडर्म यानी बाहर का लेयर। इससे क्या फॉर्म होगा इक्टोडर्म से जो कौन सा बॉडी पार्ट आएगा स्किन
ओके, नेल्स, हेयर, ये जितने भी हैं इक्टोडर्म से फॉर्म हो गए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? इक्टोडर्म। ओके, नेक्स्ट लेयर जो जो होगा इसके अंदर वो कौन सा होगा? इस तरीके से आपका फॉर्म होगा, ये हो गया आपका इंडोडर्म। डन, ये आपका अंदर का लेयर होगा, ये लेयर, एक लेयर यहाँ पे फॉर्म्ड होगा इस तरीके से, ये इंडोडर्म हो गया। डन, ये ग्रीनिश लेयर जो फॉर्म हुआ वो क्या हो गया? इंडोडर्म। डन, ये आपका इंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया। ओके, ये हो गया आपका इंडोडर्म। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर भी इसी तरीके का लेयर का फॉर्मेशन होगा, इंडोडर्म। डन, जो कि ये अंदर का डेवलपमेंट करेगा, बॉडी के अंदर का जो डेवलपमेंट है वो करेगा, लाइनिंग करेगा, ठीक है, ऑर्गन का जो लाइनिंग, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह हो गया ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये हो गया इंडोडर्म। ये सब जर्मिनल लेयर है जो कि एम्ब्रायनल स्टेज में, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में आपको मिलेगा, जितना भी फाइलम है उसके ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर। डन, नेक्स्ट थर्ड लेयर जो इसके अंदर फॉर्म होगा, ये डिप्लोब्लास्टिक है, तो इसके अंदर कैसा कितना लेयर होगा? टू लेयर होगा, तो आपका इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ये दो लेयर हो गया। डन, अब इसके अंदर एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होगा जिसका कोई भी डिवीजन नहीं होगा, ये इस तरीके का लेयर होगा। डन, ये आपका इस तरीके से अनडिफ्रेंशिएटेड, इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा। ओके, ये इस तरीके का लेयर होगा, फॉर्मेशन होगा यहाँ पे लेयर का। डन, इस लेयर को अपन रेड वाले लेयर को क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका मीजोग्लिया। डन, मीजोग्लिया। ओके, ये कोई लेयर नहीं है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है, ठीक है। क्या है ये मीजोग्लिया जो है वो क्या है? अनडिफ्रेंशिएटेड या अनडिवाइडेड। डन, अनडिवाइडेड, अनडिफ्रेंशिएटेड इसको ही लिखेंगे। ओके ओके, यानी इसके अंदर डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया यहां पे? नो डिवीजन टेक प्लेस। ओके, तो ये मेसोग्लिया लेयर हो गया। डन, ओके, तो ये मेसोग्लिया जो है इसके अंदर नो डिवीजन टेक प्लेस, यानी डिवीजन नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अनडिफ्रेंशिएटेड। डन, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होगा ये मेसोग्लिया, थर्ड लेयर नहीं है इसका, इसके अंदर ओनली टू लेयर ही होगा, एक्टोडर्म, ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, और इंडोडर्म सेकेंड लेयर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। डन, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक और लेयर फाउंड होगा, ये आपका थर्ड लेयर होगा इसके अंदर। डन, डिप्लोब्लास्टिक के अंदर आपको एक और लेयर देखने को मिलेगा, ये आपका ब्लू लाइन जो जा रहा है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो ये ट्रिपल ब्लास्टिक है, उसके अंदर आपको थर्ड लेयर देखने को मिलेगा, और ये जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे अपन? थर्ड लेयर जो आपको यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये थर्ड जर्म लेयर, इसको अपन क्या बोलेंगे? ये हो गया मीजोडर्म। डन, ये जो आपका थर्ड जो लेयर फॉर्म हुआ ये क्या हो गया? मीजोडर्म। डन, तो ये आपका तीनों लेयर फॉर्म हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये आपका ट्रिपल ब्लास्टिक के अंदर तीन लेयर हो गया, इक्टोडर्म, सेकेंड जो आपका मीजोडर्म, डन, और ये थर्ड जो आपका इंडोडर्म। डन, तो ये आपका डिफरेंट जो जो लेयर है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्रोब्लास्टिक, इसके अंदर जो डिवीजन है वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट देखा। ओके, और ये आपका फाइलम, ये सारे जो फाइलम है उसके अंदर ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर जो फाउंड होगा। डन।
और ये जो मेसोग्लिया है ये दो तरह से पाया जाएगा, ये तो मेसेनकाइम के फॉर्म में होगा, ओके मेसेनकाइम जो कि पोरीफेरा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और टीनोफोरा, और ये देखो आप ये यहाँ पे है मेसोग्लिया कहाँ पे मिलेगा, टीनोफोरा एंड ये सिलेंट्राटा के अंदर, मेसेनकाइम आपको पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जर्म लेयर का जो आपका टॉपिक है कंप्लीट, आप एक बार एनसीईआरटी से डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देख लेना, रिवीजन कर लेना, 11th एनसीईआरटी एनिमल डाइवर्सिटी डन। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो टॉपिक से रिलेटेड डन। और ये आपका डिवीजन है डन, डिफ्रेंशिएशन है इसके अंदर डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर, पूरा कंप्लीट सिनेरियो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। ओके मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।